हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर सिक्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इज इक्वल टू 62, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री एंड वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। Find angle OZY and YOZ. ठीक है, given figure है, angle X जो है 62 degree given है और angle XYZ, XYZ यानी कि ये सारा angle ये 54 degree के बराबर है और YO and ZO बताया गया है कि YO और ये ZO ये जो हैं ये bisectors हैं। bisectors का मतलब होता है कि जो angle को बराबर दो equal parts में divide करता है। को किस किस angle को? एक angle XYZ को, यानी कि इस angle को ये YO जो है इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल एक्स जेड वाई को ये वाई ओ जेड डिवाइड दो इक्वल पार्ट्स में कर रहा है ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इस ट्रायंगल में। फाइंड एंगल ओ जेड वाई, हमें क्या करना है? ओ जेड वाई यानी कि ये वाला अंदर, ये अंदर वाला एंगल बीच वाला ये फाइंड करना है और एंगल वाई ओ जेड और वाई ओ जेड यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये अगर सारा ट्रायंगल हम कंसीडर करें एक्स वाई जेड, इसमें ये एंगल भी गिवन है और ये एंगल भी गिवन है, हमें एंगल जेड एक्स जेड वाई ये एंगल फाइंड कर लेना है। और उसके बाद ये बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है, इट मींस कि जितना एंगल निकलेगा ये सारा उसको डिवाइड कर लेना है टू से, तो मिल जाएगा हमें एंगल ये अंदर वाला जेड। और इस 54 को भी हम टू से डिवाइड कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें एंगल ओ वाई जेड। फिर हमें ये फाइंड करना है, तो फिर हम इस ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम O का वैल्यू, एंगल O का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब जानते हैं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है ये। और फॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड यानी किसी सारे ट्रायंगल के लिए एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड ये सारा एंगल प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू होगा ना 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल एक्स गिवन है 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स वाई जेड ये भी गिवन है 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 62 एंड 54 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 एज यूजुअल, ये 116 इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड आके माइनस नेगेटिव बन जाएगा। एंगल एक्स जेड वाई निकलेगा किसके बराबर, 0 माइनस 6, 10 माइनस 6, 4, 7 माइनस 1, 6 एंड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि एंगल एक्स जेड वाई जो है वो निकला किसके बराबर, 64 के, यानी कि ये सारा एंगल जो है ये 64 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 54 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे और हमें मिल जाएगा एंगल ओ वाई जेड। ऐसे लिखेंगे यहां पे एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2, 54 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में लिख दो, क्यों, क्योंकि ओ वाई जो है इज अ एंगल बाय, इज एन एंगल बाय सेक्टर, ओ वाई जो है ये एंगल बाय सेक्टर है, यानी कि 54 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 27, यानी कि ये वाला एंगल जो है अंदर वाला ये 27 के बराबर होगा। ऑल्सो एंगल ओ जेड वाई ये भी होगा ना 64 डिवाइड बाई 2 के बराबर, इसके यहां पे भी ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज ओ जेड इज एन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ओ जेड एंगल बाइसेक्टर और 64 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा, ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 2 3 6, 2 2 4, 32 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा अंदर वाला ये होगा 32 डिग्री। अब हमें ये एंगल ओ फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
एंगल ओ, यहाँ पे भी इस ट्रायंगल के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और वहां से हमें एंगल ओ मिल जाएगा। तो सबसे पहले जिसने ये लिखा नहीं है या लिखना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इरेज करने वाला इसको। चलिए, फॉर ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के लिए? ओ वाई जेड, इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, ये भी होगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। ओ वाई जेड अभी हमने फाइंड किया, ओ वाई जेड 127 प्लस ओ जेड वाई, वो भी हमने फाइंड किया हुआ 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है 180 डिग्री, 27 प्लस 32 तो 59 प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180, ऐसे ही ये 59 साइड पॉजिटिव है, इस साइड आने के बाद ये नेगेटिव बन जाएगा, तो एंगल वाई ओ जेड निकलेगा किसके बराबर? 121 डिग्री, यानी कि जो एंगल वाई ओ जेड होगा ये होगा 121 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था, और हमें ये एंगल ओ जेड वाई फाइंड करना था, वो किसके बराबर मिला? 32, और एंगल वाई ओ जेड भी फाइंड करना था, ये किसके बराबर मिला? 122। ओके डियर।